बकरा सर, अगर अगर कोई पान डालेगा तो आप लोग का लैंड ओनर या मिट्टी का मालिक सालिक का तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ प्रॉब्लम देगा क्या? ना होना का कारण से हम लोग सर टुकड़ी में हम लोग दुम आदम औरत मोरत और बच्चा लोग भी आने से बच्चा लोग का साथ में हम लोग बुक के वही सोचते हैं कि अपना बस्ती का है, अपना एरिया का लीडर्स है, वो खुद ही देखता होगा, यही चीज को उसको एक्सपेक्टेशन में रखा है, क्योंकि अपना ही लीडर को, अपना बस्ती का ही ये मिनिस्टर को हम लोग क्यों ये मेमोरियल। नमस्कार सभी को, आप सभी को मैं फिर से अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अरुणाचल वेस्ट टीम यहाँ आए हैं आलो से 25 किलोमीटर दूरी एक बस्ती में, जिस बस्ती का नाम है बागरा पीगी मोली। मैं इस बस्ती में आया हूँ, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत बस्ती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती है, पाइनएप्पल्स का गार्डन करके काफ़ी मेहनत करके अपने बीवी बच्चा को, अपने बुजुर्ग माता पिता को पाल रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सड़क ना होने के कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, यहाँ रास्ता नहीं है, बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ना का ही बराबर है। आप गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, उन लोगों का कहना है। हम खुद आज देख रहे हैं बहुत ही ख़राब रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है, और इस ख़राब रास्ते में जैसे कि हमने सुना है बस्ती वालों से, यहाँ प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल पहुँचाना काफ़ी दिक्कत होता है, यहाँ बुज़ुर्ग माता पिता को यहाँ मेडिकल ले जाना बहुत ही दिक्कत होता है, बच्चों को स्कूल जाना बहुत ही दिक्कत होता है, मतलब हर जगह से यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस बस्ती वालों को। और जैसे कि मैंने कहा, सड़क ना होने के कारण से उनका पाइनएप्पल्स जो है, उनका अनाराज जो है स्पॉइल हो रहा है, सड़ रहा है, मार्केट तक पहुँचाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन का ही बराबर है, क्योंकि उन लोग अगर जय बागरा होकर जाएगा तो लगभग 9-10 किलोमीटर दूरी में टुकड़ी में ले जाके जाना पड़ता है, बहुत ही दूर रास्ता है। और यहाँ से अगर आप सरकार अगर रास्ता बना देगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर का दूरी है, कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है सरकार के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के सरकार और हमारे लोकल MLA इंजीनियर तुंग बागरा जी से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस रास्ता को जल्द से जल्द आप बना दीजिएगा, ताकि पीग मोली बागरा के लोग को इस दिक्कत का सामना करना ना पड़े। थैंक यू, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, थैंक यू। मेरा नाम रेणु बागरा है, मैं पीगी मोली में शादी कर रहा हूँ। तो हम लोग का रास्ता अभी एक भी अच्छा नहीं है ना, तो मेरा बागान भी है इसमें, और मेरा बेटा 2-3 है, उसमें हम बिक्री करते हैं, अभी तक एक भी रास्ता खराब है, और मेरा फल भी अभी पूरा खराब हो गया ना, तो इसलिए मैं फेमा खान को रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे भी मेरा रास्ता को अच्छा से बना देने से ठीक है। तो आने ये आप रास्ता खराब होने का कारण से आप ये तकबला जो है, पाइनएप्पल जो है ना अनारस को जी जी बिक्री नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, एक भी बिक्री करना नहीं पा रहा है। यहाँ से कितना दूर है आप मार्केट जाने के लिए? यहाँ से 2 किलोमीटर सर। तो 2 किलोमीटर आप पैदल जाना पड़ता है? हाँ, पैदल जाता है, अभी टुकड़ी में बुक के, तो मैं अभी ऐसे भी मेरा बीमार है, ऑपरेशन कर रहा है, पर भी मेरा बच्चा के लिए मजबूरी के लिए मैं खुद, ये मेरा हस्बैंड और मेरा हम खुद लेके बिक्री करने जाता है। ओके, ये आप इसी बागान से आप जो है बिक्री करके, इसी से आप जो पाइनएप्पल से आप बच्चा लोग को पढ़ा रहे? जी जी। लेकिन रास्ता नहीं होने का कारण से मेरा फल खराब हो रहा है, और आप मतलब कुछ पैसा नहीं कमा रहे? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा पास, तो इसलिए मैं CM सर को ऑल एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा रास्ता को ठीक कर दीजिए प्लीज सर, इसलिए हम मेरा फल भी क्या करेगा, अभी इस बार हम 2021 को बिल्कुल हम बिक्री करने नहीं मिला है, क्योंकि सर को हम रिक्वेस्ट करती हूँ ना, मेरा सर जैसे भी बना देगा बोल के, इसलिए सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर हमारा नाम डॉक्टर बागरा पीगी मोली का है। सर हम लोग सोचता है ये रास्ता अच्छा होने से हम लोग ये होगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा पाएगा, उतने से ये रास्ता को अपने से खुद क्लियर करके मेंटेन करके चलते रहता है। आप लोग जितना मतलब अपना तरफ से कोशिश करता है और कर चुका है ना, लेकिन पक्का रोड तक तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग का यहाँ का, हमारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो लोकल MLA आपका ही बस्ती का है, मतलब आपका ही सर्कल का है, तो आप उनसे कभी मिला है और आपका तरफ से, आप बस्ती वालों के तरफ से
ये बागरा साहब को कोई मेमोरेंडम या कोई रिप्रेजेंटेशन कुछ सबमिट किया है? सर गुनो सर हम लोग मेमोरेंडम भी दिया है ये रास्ता क्लियर करने के लिए, पार्कुल नहीं बिजनेस से भी हम लोग सोलिंग करके ये कर दो बोल के मिनिस्टर को बोला है, वो करेगा करेगा बोल के हम लोग को ऐसा बोला है, कर देता ही नहीं है। अच्छा। इसलिए हम उसका चांस में हम लोग ये सोचता है बना देगा बोल के दिल में सोचता है। आप उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है कि बागरा सर एक ना एक दिन उसका टेन्योर में जैसे भी ये रोड को बना देगा? जी मैं भी उम्मीद करता हूँ, बागरा सर जरूर बना देगा। सर मेरा नाम दुकेन बागरा, हम ये पीगी मैंगो का एक्स जीपीसी है। सर मैं एक प्रॉब्लम आपको ये फेस करना चाहता हूँ कि जितना पीगी मोली का ये घर वाला लुक है, इतना प्रॉब्लम होता है कि रोड की वजह से ना रोड अभी तक इतना क्लियर नहीं है। जस्ट अभी भी देखिए इतना अनारस भी ऐसे चढ़ा हुआ है, तो गाड़ी नहीं आने के कारण में। तो वही है कि हम लोग जितना हो सकता है हम लोग टुकड़ी में बुक के वहाँ तक मार्केट तक ले जाते हैं, यहाँ से मार्केट भी इतना दूर है 2 किलोमीटर समथिंग ऐसे कुछ है। तो वही है कि हम सब जगह हम जाके ये जैसे बांगो छरकुल है सब जगह में हम जाके देखा है सबका, मतलब अभी रास्ता ठीक है, सिर्फ यही है कि पीगी मोली का रोड ठीक नहीं अभी तक। अभी हम लोग का समथिंग लगभग 17 ईयर्स रनिंग हो रहा है, अभी तक रोड ठीक नहीं है। रोड कनेक्ट टू अभी 4 पॉइंट कनेक्ट हुआ है पर एक भी ठीक नहीं है अभी हम लोग। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को ये जल्द से जल्द ये रोड को ठीक कर दीजिए, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा पीगी मोली बस्ती का आदमी लोग को भी, जैसे बूढ़ा बूढ़ी लोग भी बीमार होता है तब हम लोग ये बुक के भी ले जाना पड़ता है वो मेन रोड तक, और जैसे औरत लोग प्रेग्नेंट होता है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, गाड़ी वूड़ा नहीं आता है तो हम लोग बुक के ले जाना पड़ता है। यहाँ से सर कितना दूर ले जाना पड़ता है? हम लोग ये मेन रोड जाने के लिए हम लोग का 2 किलोमीटर हम लोग बुक के ले जाते हैं। बहुत दूर है ना? बहुत दूर। तो बारिश यहाँ तो अरुणाचल में तो लगभग 6 महीना बारिश गिरता है जी, तो इस बारिश का मौसम में आप लोग बहुत मतलब दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। जी जी जी। तो और ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो ऊपर जो देख रहा है ये अनारस जो है पाइन एपल्स जो पूरा मतलब बहुत सारा तोड़ के रखा है, लगभग 1-2 हज़ार फल तोड़ के रखा है और वो सड़ने का स्थिति में है, मतलब खराब होने का है, तो ये क्यों ऐसे मतलब गिरा के रखा है? वही है कि सर यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सका है, तो वही है कि हम लोग जितना 2500-600 ऐसे कुछ था जो आधा लोग को हम लोग टोकरी में बुक के जैसे तैसे मार्केट में सेल हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं सका है। जो जैसे आदमी लोग भी बुक के बीमार होने वाला लोग भी है, कोई किसी का काशी भूखा हो गया ऐसे हो जाते हैं वो। तो आप लोग ये जो हम लोग लोकल में थक बला कहते हैं जी, थक बला ये पाइन एप्पल्स से ही आप लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना? मतलब आप लोग का कमाई जो है बस्ती का बच्चा को पढ़ाना, माँ बाप को पालना, तो मेन आपका तो ये इस पाइन एप्पल्स बागान से होता है ना? जी जी। तो लेकिन रास्ता ना होने के कारण से मतलब ये भी नहीं हो पा रहा है। जी जी। ओके तो थैंक यू। सर मेरा नाम दुमार बागरा है जी, जो हम पीगी मोली का एक्स ग्राम है जी। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हम लोग का रास्ता बहुत खराब है जी, यही बागरा रोड से पीगी मोली रोड रास्ता बहुत खराब है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ से हम लोग आना जाना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। और अनानास बागान भी है, चौंतरा बागान भी है, और बाल बच्चा को उसी से पढ़ाता है, उसी से पढ़ाता है। तो लेकिन रास्ता ना होने का कारण आप उसको कैसे बिक्री करते हैं? रास्ता ना होने का कारण से हम लोग सर टुकड़ी में हम लोग दुम आदम औरत मोरत और बच्चा लोग भी आने से बच्चा लोग का साथ में हम लोग बुक के बाजार तक ओके बागान सफा करेगा ना टुकड़ी बुक के मार्केट तक जाएगा, मतलब आपका समय नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ और इस कारण ये बार हम देख रहे हैं अनारस भी पूरा सड़ रहा है जी सर। और रास्ता ना होने के कारण से ना जी, रास्ता नहीं होने का कारण से सर ऐसे हो रहा है। अच्छा हम देख रहे हैं आपका तो ये सर्कल में पूसी बांगो में मेमो एरिया में सब बस्ती में आपका रास्ता तो आ गया है, आप ही का बस्ती में नया है सर। तो इसमें आपका तरफ से सरकार को हमारे लोकल MLA जो मिनिस्टर बागरा साहब को आप क्या कहना चाहेगा? सर हम वो हमारा लोकल MLA सर वो आशी तुमके बागरा जी, जो है ये जवान पिताजी लोग हम लोग का बस्ती से सब गया है, सब गया है,
15 आदमी गया है उधर उसका घर में ईटानगर में जाके हम लोग इतना रिक्वेस्ट किया है उस टाइम में भी हाँ कर देगा बोला भी नहीं है। हम लोग ऐसे वापस आ गया उसके बाद कितना हम लोग चार बार पांच बार मिल चुका है, मिल चुका है। अभी तक नहीं कर दिया नहीं, अभी लेकिन आप अभी तक उम्मीद है कर देगा ना। हाँ सर तू अच्छी तुमके बगरा तू जैसे भी कर देगा, कर देगा। आप आपका भी पाइन एप्पल का ये अनारस का तक वाला बागान है ना, तो उसको अभी आप ये साल बिक्री किया है कि नहीं किया है? एक बार भी बिक्री नहीं किया है, रास्ता का खराब होने का वजह से हम लोग बिक्री नहीं किया है। अच्छा ये बागान से हम लोग पाइन एप्पल बागान से हम लोग बिक्री करके बच्चे बाल बच्चा को पढ़ाता है जी। और बीमार है जितना बीमार होने से भी उसको ले जाकर मेडिकल में ट्रीटमेंट करता है जी। तो रास्ता नहीं होने के कारण बहुत दूर हो गया कि मतलब आप लोग वहाँ मेन मार्केट तक पहुँचाना नहीं सक रहे? नहीं सक रहे, मतलब में बुक के ले जाता है ना, बिल्कुल तकलीफ हो गया ना बिल्कुल। और मेरा नाम मोरू बागरा, मैं इस बस्ती का और पीग मोको और पीग मोली का अभी का जीपीसी हूँ, ग्राम पंचायत चेयरमैन जी। ग्राम पंचायत चेयरमैन जी। और मेरा सर मेरा बस्ती का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का रोड कनेक्टिविटी 2005-06 से हुआ था लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता क्लियर वाला नहीं है ना, इसलिए गवर्नमेंट को अरुणाचल गवर्नमेंट और अपना लोकल एमएलए और अपना ये आलो अरुणाचल वेस्ट का एमपी साहब भी इसको देख देने से बहुत अच्छा है, हम लोग उन लोग को ये सब को इंतज़ार में है। सर यहाँ आपका रास्ता ना होने के कारण क्या क्या तकलीफ का सामना आप लोग करना पड़ रहे हैं बस्ती वाला? इसमें हम लोग का कितना बोल नहीं सक रहा है, हम लोग का अपना बीमार हजार होने से बुक बुक के ले जाना पड़ता है बारिश के समय में, और ऐसा ये बारिश का मौसम में तो हर कदम में पैदल पैदल मार के जाना पड़ता है। रात को भी कुछ अगर कोई बुरी बीमार होने से उसको भी बुक के ले जाना पड़ता है। हम लोग ये हम लोग का लोकल में बोलता है मारा बोलता है, मारा जी बम्बू से बना के ना, बम्बू से बना के, और वो नहीं होने से भी तो बुक के ले जाना पड़ता है जी। बोलने से रास्ता करने में सिर्फ 8 मीटर होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं है काम आपका। बागरा टाउन तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता मेन रास्ता जोड़ने के लिए कनेक्ट होने के लिए सिर्फ 800 मीटर चाहिए, 800 मीटर चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल नहीं है, बोलने से अपना लोकल एमएलए भी अपना लेट से भी कर देने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। और सर आप लोग अपना तरफ से तो सोशल सर्विस रास्ता को करता होगा? उसको तो अब कितना बार करें, रोज करता है, साल में हम लोग 2-3 बार करता है, समर सीजन में करता है, विंटर सीजन में करता है। ऐसा हो के सुशी अभी कितने साल हो गया, 2005 से इस्टेब्लिशमेंट थे, अभी तो 17 ईयर्स रनिंग है। फिर भी आप लोग तो आप लोग का तरफ से आप लोग गवर्नमेंट सोशल सर्विस ही कर सकता है, ये पक्का रोड तो नहीं बना पाएगा क्योंकि आप लोग बस्ती वाले हैं, गरीब आदमी लोग हैं। हम लोग का यहाँ में तो ऑफिसर भी नहीं है। तो आप एज ए यहाँ का इस बस्ती का ग्राम चेयरपर्सन होने के नाते हमारा लोकल एमएलए से आप क्या अपील करना चाहेगा, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेगा इस चैनल का माध्यम से? मेरा टारगेट है मेरा टेन्यूर में मेरा लोकल एमएलए ये करके सीएम साहब से एमपी साहब से एक पान लेके इसको बना देगा होगा, यही सोच रहा है, उसको उम्मीद कर रहा हूँ। और सर जैसे कि बकरा सर अगर कोई पान डालेगा तो आप लोग का लैंड ओनर या मिट्टी का मालिक सलीक का तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन कुछ प्रॉब्लम देगा क्या? ऑब्जेक्शन तो नहीं देना चाहिए, पहले से भी तो फ्री में दे के हम लोग को ये मतलब आपका तरफ से मतलब रास्ता मिलने से हो गया बस्ती का तरफ से। हाँ। अच्छा रास्ता चाहिए आप लोग को, हम लोग को रास्ता अच्छा होना है बस्ती में, पान जहाँ से भी आओ और काम कोई भी करो उससे आप लोग का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग का सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग का रोड अच्छा होना है, हम लोग का बाल बच्चा या हम लोग का फल अच्छे से जा सकना है और बिक्री में अच्छे से ले जा सकना है। हम लोग का प्रॉब्लम यही है, हम लोग 2017-18 को भी अपना लोकल एमएलए का उधर गया था हम लोग को ये रास्ता बना लेने के लिए ईटानगर में, वो भी कर देगा बोला था, अभी तक नहीं हुआ है। पर आप उम्मीद है अभी तक उम्मीद है मिनिस्टर साहब का टेन्योर में जैसे भी बनेगा? हाँ उसका टेन्योर अभी तक है, 2 साल ना 3 साल बचा है ना। हाँ इसी में तो कर देगा जैसे भी कर देगा, हम भी उम्मीद करता है। और मैं इस वीडियो को ऐसे इतना तक शेयर करूंगा कि बागरा साहब तक
ये वीडियो जरूर पहुंचे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम है क्रिंजा बागरा, रिटायर्ड DDC, प्रेसिडेंट ऑफ पूसी बांगो वेलफेयर सोसाइटी। थैंक यू सर, पूसी बांगो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। हाँ जी, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। सर, जहाँ तक मेरा सर्वे का मुताबिक आपका जितना पूसी बांगो एरिया है, इन सभी एरिया में, बस्ती में, हर गाँव में अभी रोड कनेक्ट हो चुका है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो आज हम वहाँ जाके आया है, वहाँ का प्रॉब्लम को हमने रिकॉर्ड किया है। वहाँ पीग मोली बागरा में अभी तक रोड कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसका कारण वहाँ के पब्लिक जो है बहुत ही प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? तो आपने बहुत अच्छा बात कहा हमारा ये बस्ती के लिए, कि ये बस्ती जो है पीग मोली बस्ती, ये अभी तक 17-18 ईयर्स हो गया, उसको गादम में तो थोड़ा रास्ता कनेक्ट कर दिया था, तब से लेकर हम लोग सोचा रास्ता मोटरेबल है, लेकिन तब से लेकर ना रिपेयरिंग किया, ना कुछ किया है, ना गवर्नमेंट कुछ सेंक्शन किया है, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी कोई मोटरेबल नहीं है। तो उसमें जो मट्टी कोतल फॉर हमारा एरिया का, स्पेशली पूसी बांगो का सोर्स है बोरा बोरी का पाइनएप्पल है जी, और वो पाइनएप्पल अभी पूरा मोटरेबल नहीं है, नहीं बुक ना बुक के तो नहीं ले जा सकता है, और न कोई सप्लायर आता है, पूरा छोड़ के खत्म हो रहा है। इसलिए हमारा अपील है कि गवर्नमेंट से और हमारा लीडर से कि हमारा इस रास्ता को आप लोग इमीडिएट टेकअप करके तुरंत इसको मोटरेबल कर देने से हमारा बस्ती के लिए बहुत बहुत अच्छा काम होगा, और हम लोग आप लोगों से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये रास्ता के लिए आप लोगों ने बहुत भलाई कर दिया हमारा बस्ती के। सर, आप पूसी बांगो एरिया का प्रेसिडेंट है वेलफेयर सोसाइटी का। हाँ जी, आपका सोसाइटी जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के लिए बहुत काम करता है। हाँ जी, तो सर इसमें लकीली हमारा लोकल MLA भी, हमारे मिनिस्टर साहब भी आपका ही बांगो का है। हाँ जी, तो आपका तरफ से, आपका वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बागरा साहब को कोई मेमोरेंडम या कोई समित अभी तक किया है उस गांव के लिए? अगर नहीं किया है तो अब कब तक ऐसे करेगा? तो हम लोग उसका अभी तक मेमोरेंडम तो नहीं दिया, हम लोग उसका ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वही सोचते हैं कि अपना बस्ती का है, अपना एरिया का लीडर्स है, वो खुद ही देखता होगा, यही चीज़ को उसको एक्सपेक्टेशन में रखा है, क्योंकि अपना ही लीडर को, अपना बस्ती का ही ये मिनिस्टर को हम लोग क्यों ये मेमोरेंडम देगा, ये हम लोग का सोचना था। उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर देगा अपना ये बस्ती का और अपना एरिया का डेवलपमेंट के लिए। मैं भी उम्मीद करता हूँ बागरा सर अपना टेन्योर में जैसे भी हो उस गांव को रोड कनेक्शन जैसे भी कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, जरूर जरूर करना है। थैंक यू। मेरा नाम बमकर बागरा, ZPM त्रिपुसी और एंटायर बागरा का ZPM है। सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, वेलकम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपका एरिया में जितना बागरा एरिया है, ऑलमोस्ट सभी बस्ती में, सभी गांव में जो है रोड कनेक्ट हो चुका है, ऑल वेदर रोड जो है, एक्सेप्ट एक बस्ती को छोड़ के, पीग मोली बागरा का पीग मोली बस्ती में जो है आपका रोड अभी तक सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आप पैदल जा सकता है जहाँ तक हम देखा है, लेकिन मोटरेबल रोड नहीं है। अभी का मौसम में भी हम खुद आज कोशिश किया है अपना गाड़ी लेके, बिल्कुल नहीं होगा, और बारिश का मौसम में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सर, उसका कारण जो है, रोड नहीं होने का कारण जो है, वहाँ का बस्ती वाला जो है बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहा है, जैसे कि हमने पता लगाया है। तो इसमें, इस विषय में सर आपका क्या कहना है? हाँ, फीके मोली के लिए हम भी बहुत दुखी है, आज तक उसमें ऑल वेदर रोड कनेक्शन नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट लोग। तो मैं पीग मोली का तरफ से और मेरा एंटायर का बागरा का तरफ से मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ, आज मेरा पीग मोली में ऑल वेदर रोड कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि उसको जल्द से जल्द कंसर्न डिपार्टमेंट और मेरा वो यहाँ का लोकल लीडर लोग उसको प्लान करके जल्दी से जल्दी ऑल वेदर रोड बना दिया जाए। रूलिंग गवर्नमेंट का एक जिला परिषद मेंबर है और आपका लीडर जो है, लोकल MLA जो है, हमारे राज्य का मंत्री भी है। तो इसमें सर, आप दोनों मिल के हम पब्लिक को क्या उम्मीद दिला सकते हैं कि कब तक वो रोड बनेगा? हाँ, ये इसको मेरा तरफ से और पब्लिक की तरफ से ऑलरेडी इसका स्कीम हम लोग तो सबमिट कर चुका है, और मेरा कंसर्न यहाँ का लोकल MLA मेरा तुमका बागरा जी अभी प्रेजेंट मिनिस्टर है, तो उसका हमें हम प्रपोजल दे दिया, तो उसका भी कहना है कि ये कोरोना का वजह से स्कीम रुक रहा है, अगर कोरोना का वजह से स्कीम आज जल्दी नहीं कर पा रहा है, नहीं तो उसको भी जल्दी से जल्दी टेकअप करेगा। okay. हमको इंश्योरेंस देखे okay. तो सर, हम उम्मीद रखेगा आने वाला रेनी सीजन से पहले वो रास्ता, मतलब पक्का रास्ता बन जाए।
तो पक्का आप लोग उम्मीद कीजिए, वो तो पक्का बन जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो मेरा नाम गोमा रांग हूँ, मैं मोआओ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। सर आपको हमारा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। ओके, वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपके मोमो के जितने एरिया हैं, जितने बस्ती है मोमो एरिया का, उसमें लगभग सभी गांव में रास्ता जो है रोड कनेक्ट हो चुका है, तो जैसे कि लेकिन मुझे पता चला है कि मैं जाके भी आया हूँ बागरा, जी बागरा और पीग मोली में, अभी तक जो है रोड सही ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है वहाँ के लोग जो है पब्लिक जो है काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। और आपका इमरजेंसी मेडिकल केस में बोलो या कमर्शियल पर्पज़ में हो, जो पाइन एप्पल्स का जो बिजनेस है वो भी बुरी तरह से मतलब रुक गए हैं। आप इसमें आप गवर्नमेंट को और आपके सोसाइटी की ओर से क्या फील करना चाहेगा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स और वेलकम करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। हम सब थोड़ा बहुत जागरूकता फायदा होगा, आपका आने पर मेरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि पूर्वी बंगो मेमो एरिया में बहुत बस्ती है जिसमें रोड कनेक्टिविटी हो चुका है, जैसे एज आपने जस्ट बताया ये बागरा पीगी मोली में अभी कनेक्टिविटी थोड़ा ये है, तो वहाँ का उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं हूँ, लेकिन एज ऑन टुडे सब बस्ती में रास्ता पहुँच गया, तो अभी किस ढंग से नहीं पहुँचा है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट और या उसमें कॉन्ट्रेक्टर का क्या ये है, वो स्टेटस मुझे अप टू डेट मालूम नहीं है। बट देन मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट, तो सब जगह में सब बस्ती में अभी पहुंच गया तो पीगी मोली में भी पहुंचना ये है, और ये सरकार जो अपने लोकल एमएलए मिनिस्टर और जिला परिषद इन लोगों को भी मेरे तरफ से और सोसाइटी का तरफ से मैं ऑन बिहाफ ऑफ मैंने पश्चिम बंग ये मेमोआ वेलफेयर सोसाइटी, तो मेरा भी एक अपील ये रहेगा कि सब बस्ती में सही ढंग से मैंने कम्युनिकेशन फर्स्ट ये जो है, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन ये आना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें थोड़ा बहुत ये डिमिगेटी होने से भी उसको हम लोग भी वेलफेयर का तरफ से भी हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे, और आने वाला दिन को हम आशा करते हैं कि ये माध्यम से और नेता लोगों भी अच्छा से काम करेंगे और सोसाइटी भी हम लोग इसको फॉलोअप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।